इस समय घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आप लोगों को खास संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता है, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप भावनात्मक रूप से बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, इसलिए आपको भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पीछे बढ़ने के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, बस आगे ही बढ़ते चले जाइए। याद रखें, मनुष्य के अच्छे कर्म ही मनुष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बार बार यही कहते हैं कि जो चाहते हैं केवल आप वही करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं छुपा है। जैसे ही दोस्तों आप डूब गए, वैसा ही आप पाओगे। याद रखें कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे भी। दोस्तों, यदि जिस स्त्री में धैर्य होता है और अपने पति का साथ वह हर परिस्थिति में बनाए रखती है, तो उसका पति जीवन में हर समय खुशहाल रहते हैं, क्योंकि एक पत्नी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने पति को हर बुरे काम से दूर रख सकती है। मान लीजिए आपके पति कोई कार्य नहीं करते हैं या परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उनकी जॉब छूट गई, उनके पास में पैसे नहीं हो या उनके जीवन में बुरे हालात चल रहे हैं, ऐसे समय में भी दोस्तों वह स्त्री अपने पति के साथ में है। वह अपने पति को छोड़कर नहीं गई बाकी स्त्रियों की तरह। याद रखें, जो अपने पतियों को छोड़कर दूसरे के पास में चली जाती है, जिनके पास पैसा होता है, तो याद रखें ऐसी स्त्रियां नर्क में भी उन्हें जगह नहीं मिलती है। याद रखें कि ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जिनकी इच्छाएं सीमित होती हैं, क्योंकि महिलाओं की इच्छा पूरी करने की चाहत, कई बार पति भी गलत कार्य कर देते हैं पत्नी की इच्छाओं के कारण। इसलिए दोस्तों, इन गलतियों से आपको सावधान रहना होगा। याद रखिए, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है जो ज़रूरत से ज़्यादा आपका खर्चा करवाने के बारे में सोचते रहते हैं। दिखावे के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सफ़र पर जा सकते हैं, आप काफ़ी आकर्षित होने वाले हैं। साथ ही आप दोस्तों उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए और कार्यस्थल पर करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आज के दिन आप लोगों को अपने आसपास के सभी सोचने और समझने वाले लोगों के साथ में संभल कर रहना होगा। याद रखें, सोच विचार से किसी भी स्थिति का सामना आप कर सकते हैं, और यह समझने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने कार्य को सही निर्णय के साथ में ले सकें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवन में जब दुख के बादल छाते हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी परिस्थिति एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। कभी अपने मन में भगवान के नाम आप अवश्य लेकर आइए। व्यवसाय में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, नया नया चमत्कार आपको मिलेगा। नई कल्पना के साथ में आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बड़ा लाभ होने वाला है। महादेव की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से भी आपके जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है जो आप लोगों के मन को गदगद करने वाला है। समय में दोस्तों कुछ उलझनों से सामना हो सकता है, ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ी अनबन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। नई सफलता दोस्तों अवश्य ही आपको मिलेगी। अपने वस्तुओं को संभाल कर रखें, दूसरों के साथ में दोस्तों अच्छे से रहें। वरिष्ठ लोगों के साथ में मिलता जुलता समय आप लोगों को अच्छे से रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मार्गदर्शन के साथ में दैनिक खर्चों पर कुछ कटौती लाने की आवश्यकता है। कारोबार में जो व्यवस्था है, अन्य व्यावसायिक लोगों के साथ में संबंध बनाकर अच्छे रखें। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक रूप में भी आप लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती है। व्यापार में भी इस समय खास मुनाफे के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, समय काफ़ी अनुकूल है, व्यवसाय की दृष्टि से रहने वाला है। लाभ मिलेंगे, रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने वाले हैं। कर्मचारियों का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उन लोगों को मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। दोस्तों, वेतन वृद्धि के भी काफी हद तक योग रहने वाले हैं। स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श अवश्य कर लें, इसमें आपको अवश्य ही अच्छी उपलब्धियां मिलेगी। स्थान परिवर्तन संबंधी भी फैसले आप अकेले ना लें। जो लोग दोस्तों बेरोजगार हैं, रोजगार संबंधी कोई शुभ समाचार उनको प्राप्त हो सकता है। नौकरी से संबंधित कोई इंटरव्यू यदि दिया हुआ है आपने पिछले कुछ समय में, या फिर कोई परीक्षा दी हुई है, तो उसके उचित परिणाम भी आपके पक्ष में शामिल होने वाले हैं। समय काफी अनुकूल रहेगा, इससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होने वाली है। धन प्राप्ति के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों,
यदि कोई बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय आप करते हैं तो उसके लिए भी उचित मुनाफे आप कमा सकते हैं। परंतु दोस्तों, सावधानी ये रखनी है कि अपनी महत्वपूर्ण फाइल और दस्तावेजों को संभाल कर रखने की आवश्यकता है, उनके खोने या चोरी होने की आवश्यकता पड़ रही है। युवा वर्ग खास तौर पर सुन ले कि आप अपने करियर के प्रति काफ़ी गंभीर रहिएगा। समय को दोस्तों व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें। आप अपने करियर से संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श करें और आगे बढ़ें। हम यकीन के साथ कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी बनी हुई है कि अब आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, भरपूर लाभ उठाएं, हाथ से ना जाने दें। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर प्रकार की जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।